यो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं रश करने के टॉप 5 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना अगर आप एक अच्छे रश प्लेयर बनना चाहते हो। तो भाई चले वीडियो शुरू करते एक छोटे से इंट्रो के बाद में। तो कैसे आप लोग तो गाइस, अगर आप रश प्ले करना चाहते हो तो लैंडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। आप क्लॉक टावर पर उतरते हो, पीक पर उतरते हो, ठीक है, बट फिर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप लोग लैंड कर रहे हो। तो देखो उधर बंदे थे, इसलिए मैंने जो है अच्छे से कवर वाली जगह पे उतरा। तो लैंडिंग करते वक्त आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे एक गन होना ही चाहिए जो आप लोगों को फाइट करने में हेल्प करेगा। एंड उस गन को लेने के बाद आप लोगों को अच्छा सा एक कवर मेंटेन करना है एंड उस कवर में चले जाना है। एंड उसके आसपास कोई भी एनिमी नहीं होना चाहिए। अगर आप गन ले लोगे फिर आपके आसपास कोई एनिमी आ जाएगा तो आप उसे मार पाओगे। तो ये था लैंडिंग का टिप। अब देखो उधर मैं टावर में स्पॉट कर लिया कि टावर के सामने एक M4A1 पड़ा हुआ है। इसके लिए आपका आईक्यू लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए एंड टावर का मुझे उधर अच्छा सा एक कवर मिल जाएगा। तो मैं इधर उतरने के वक्त में जो है थोड़ा सा लेट हो गया था जो है देखने में, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बैक में उतर गया। बट मैं जो है तुरंत ही इधर से दौड़ने के बाद मैं जो है उधर M4A1 ले लूँगा एंड तुरंत ही कवर में चला जाऊँगा, क्योंकि आप देख सकते हो आसपास कितने ज़्यादा बंदे हैं। तो देखो इधर एक बंदा मुंह पे आ गया मेरे, बट मेरे पास कवर है इसीलिए मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। कवर मैंने ले लिया था इसलिए इसको मैंने इजीली ख़त्म कर दिया। और उतरते वक्त अगर आपको प्लाज्मा गन मिल जाता है तो लॉन्ग रेंज में तभी उसका यूज़ करो, क्योंकि उतरते वक्त आपका एमओ का बहुत ज़्यादा एमओ चाहिए होता है। तो प्लाज्मा गन में अनलिमिटेड एमओ होता है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उतरते वक्त अगर प्लाज्मा मिल जाए तो उसका यूज़ किया करो एंड कवर ऑलवेज मेंटेन करो। अब बात करते हैं कवर के बारे में। तो अगर आप एक रश प्लेयर हो तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप इतना ज़्यादा रश कर लो कि खुले में जाके एकदम बंदों को मार रहे हो। तो इस तरीके से आपको अगर आपके पास ग्लोबल नहीं है तो आप सैंडविच बन सकते हो, चारों तरफ से आपके ऊपर पड़ सकती है। तो इस टाइम को आपको क्या करना है, आप लोगों को ऑलवेज एक कवर को मेंटेन करना है, जिस कवर में आपका प्रॉपर एक कवर होगा जहाँ पर आसपास से आप मतलब अगर कोई मारता भी है तो आप इजीली एक कवर में जा सकते हो एंड उधर जाके आप लोग उधर सर्वाइव कर सकते हो। तो आपको ऑलवेज रश करने के टाइम, देखो भाई किल तो कोई भी कर सकता है बट आपको अपने स्किल्स के ऊपर अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर किल को करना होता है, तो इसके लिए आपको कवर लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कंफ्यूज दी एनिमी के बारे में। तो गाइस कंफ्यूज करने एनिमी को बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है आप लोगों के लिए। देखो इधर मैंने मुँह पे एक बंदा है, इधर मैंने इसको मुँह पे ऊपर ग्लोवल लगा दिया एंड मैं इधर से इसको कन्फ्यूज करने के लिए इधर से निकल गया और मैं निकल के दूसरी तरफ से इसको मारने का कोशिश करूंगा। अगर फिर भी नहीं होता तो मैं इसको डॉच करता रहूंगा जब तक ये कंफ्यूज नहीं हो जाता कि मैं किस तरफ से आ रहा हूँ। तो इस तरीके का अगर आप शॉर्ट रेंज में इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा मतलब एक आपको कवर मिल जाएगा। कवर लो, उसको धीरे धीरे मारो, मतलब भाई ऐसा नहीं कि सामने आ गया मारना पड़ेगा, रुक रुक के मार दिया, ऐसा नहीं चलता। मतलब वो आपको भी ख़त्म कर सकता है, उसमें ज़्यादा जो है मतलब डिसएडवांटेज रहता है, वो बंदा आप लोगों को ख़त्म भी कर सकता है या फिर आप उसे ख़त्म कर सकते हो। तो इतना रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पहले कंफ्यूज कर लो फिर जो है उसको घूम फिर के मारना, तो वो बंदा भी सोचेगा ये बंदा ने कुछ अच्छा खेला है तो आपको लाइक दे के जाएगा। किल तो कोई भी कर सकता है, अपने स्किल्स के ऊपर अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर किल करना बहुत ज़्यादा ही एक बड़ी बात होती है। देखो मैंने इस बंदे को मार दिया क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मैंने पहले मुझे मारा था बट मैंने अभी इनको मार दिया। तो अब बात करते हैं, देखो ये कंफ्यूज किस तरीके से आप कर सकते हो एनिमी को कंफ्यूज। मानो ए मैं हूँ, बी कोई और है एंड मैं क्या करूँगा, मैं जो एरो दिखा रहा हूँ उधर से मैं जाऊँगा एंड बी के ऊपर रश करूँगा। आप लोग जो नॉर्मली करते हो तो ये पूरा का पूरा गलत तरीका है, इस तरीके से रश नहीं किया जाता। तो आपको एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पीछे से घूम के जाकर उसको जो है ऊपर जो है रश करना पड़ेगा, जिससे वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सामने से आने वाला था बट पीछे से कैसे आ गया, पीछे से मार के चला गया। तो वो खुश होकर आपको एक लाइक ज़रूर देगा एंड वो आपकी स्किल्स देख के मतलब कुछ अच्छा सीखेगा, मतलब भाई ये अच्छा खेल रहा है बंदा, नहीं प्रो बंदा है, तो ऐसा कुछ सोचेगा। तो इस तरीके से आपको ऑलवेज ही जो है
कंफ्यूज करना पड़ता है एनिमी को। डोंट केयर फॉर ग्लो वॉल। देखो गाइज, ग्लो वॉल आपकी गेम में ऐसी एक चीज है जो मतलब आप लोग संभाल के रखते हो कि लास्ट में जाके यूज करेंगे, बट अगर आप लोग मर जाओगे तो ग्लो वॉल का क्या काम ना। देखो इधर एक बंदा मेरे मुंह पे आ गया एंड इस बंदे को मैंने मारा, बट मैंने ग्लो वॉल तुरंत ही लगाया। ठीक है, क्यों लगाया? क्योंकि देखो मेरा हेल्थ कितना कम था, मैंने उसको मतलब उसने मुझे ज़्यादा डैमेज दिया था, मैंने उसको कम डैमेज दिया था, बट मैंने ग्लो वॉल लगा के उसको हेडशॉट मार दिया ड्रैग शॉट करके, तो वो बंदा ख़त्म हो गया। तो अब बोलते हैं ग्लो वॉल के ऊपर आप लोग कैसे रश कर सकते हो। तो मानो ये मैं हूँ और पीछे जो है एनिमी है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, इधर सीधे सीधे जाऊँगा उस बंदे के ऊपर रश कर दूंगा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, इससे जो एनिमी आपको डैग शॉट ले लेगा एंड आप उधर ही ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, तो अब देखो ग्लो वॉल, ये ग्लो वॉल है, मैं बोलता हूँ समझ जाता हूँ, ये ग्लो वॉल है। ग्लो वॉल के हमेशा एक बंदा राइट साइड में ही खड़ा होता है, आप लोग भी हमेशा ग्लो वॉल के राइट साइड में खड़े होते हो क्योंकि उधर से ड्रैग लेना बहुत ही सिंपल होता है। तो आप उधर से ड्रैग लेते हो एंड भाई बहुत ईजी रहता है। तो आपको इसी चीज़ का एडवांटेज लेना है, आपको ग्लो वॉल के कभी भी सीधे सीधे रश नहीं करना है। तो कैसे रश करना है आप लोगों को मैं ड्रोन व्यू से दिखाता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ग्लो वॉल के लेफ्ट से जाके उस बंदे को पीछे से जाके उसको मारना है, क्योंकि वो राइट में खड़ा होगा। अगर पीछे से अगर आप उसे मारोगे तो वो बंदा ख़त्म हो जाएगा एंड आप इजीली उसका किल ले पाओगे एंड लाइक्स भी ले पाओगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, एंड बहुत मेहनत से वीडियो बनाए तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो एंड हमें इंस्टाग्राम पर आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, ऐसा इसका पार्ट टू लेके मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन बॉल पर सेट कर देना ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फिर से बोलूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, पीस। Yeah.